नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरों के बादशाह कहे जाने वाले A.R. रहमान की। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए हैं। आइए जानते हैं उनके अब तक के जीवन के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के चेन्नई में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनका उस समय का नाम RS दिलीप कुमार था। इनके पिता RK शेखर तमिल और मलयालम फिल्मों के गानों को कंपोज किया करते थे। इनकी माँ का नाम कस्तूरी था, जो बाद में बदलकर करीमा रखा गया। रहमान बचपन से ही अपने पिता को उनके स्टूडियो में मदद किया करते थे, परंतु जब रहमान 9 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब वे अपने पिता के इंस्ट्रूमेंट को किराए पर देकर अपना घर चलाया करते थे। रहमान एक बेहतर कीबोर्ड प्लेयर हैं और बचपन में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंड में पियानो बजाया करते थे। बाद में उन्होंने चेन्नई पर आधारित रॉक ग्रुप नेमसिस एवेन्यू की स्थापना की। रहमान कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम और गिटार बहुत ही अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन विशेष तौर पर सिंथेसाइजर में उन्हें महारत हासिल है। रहमान ने अपने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की है और 11 साल के कम आयु में ही वे अपने पिता के करीबी दोस्त M.K. अर्जुन के साथ मलयालम ऑर्केस्ट्रा बजाया करते थे। बाद में उन्होंने जाकिर हुसैन, कुन्नू कुदी वैद्यनाथ और एल शंकर जैसे दिग्गजों के साथ विश्व स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनके हुनर को देखते हुए उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के संगीत विभाग ने स्कॉलरशिप प्रदान की। चेन्नई में पढ़ते हुए रहमान अपने स्कूल से ही वेस्टर्न क्लासिकल संगीत में ग्रेजुएट हुए। कुछ कारणों की वजह से रहमान ने 23 साल की आयु में 1979 में मुस्लिम धर्म को अपनाकर अपना नाम A.R. रहमान यानी अल्लाहरक्का रहमान रख लिया। रहमान शुरुआती दौर में टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जिंगल बनाया करते थे। रहमान ने अपना फिल्मी करियर 1992 में शुरू किया। तब उन्होंने अपने घर के पीछे स्टूडियो बनाया जिसका नाम रखा पंचानाथ रिकॉर्ड इन, और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे हाईटेक स्टूडियो है। 1992 में डायरेक्टर मनी रत्नम की तमिल फिल्म रोजा से रहमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। रोजा के गानों के लिए रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सिल्वर लोटस अवार्ड दिया गया। फिल्म रंगीला रहमान की पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया। इसके बाद बॉम्बे, दिल से और ताल जैसी बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया। 1997 में उन्हें एक तमिल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2000 में रहमान ने कई साउथ फिल्म्स और आशुतोष गोवेरकर की स्वदेश, रंग दे बसंती और 2005 में आई फिल्म पानी के लिए बेहतरीन संगीत दिए। रहमान ने कई कवियों और गीतकारों जैसे जावेद अख्तर, गुलजार, वैरामुथु के साथ काम किया है और निर्देशक मणि रत्नम और S. शंकर के साथ सफल साउंडट्रैक्स बनाए हैं। 2006 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक लेबल KM म्यूजिक लॉन्च किया। उन्हें 2007 में शेखर कपूर की पहली ब्रिटिश फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज में और हिंदी फिल्म जोधा अकबर के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार एशियाई फिल्म पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। उन्हें उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म कपल्स रिट्रीट के लिए 2009 में BMI लंदन अवार्ड मिला। 2008 की फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में रहमान के दिए संगीत ने उन्हें गोल्डन ग्लोब और 2 अकादमी अवार्ड्स जिताए और उनके गाने जय हो और ओ साया के साउंडट्रैक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहे। बॉलीवुड फिल्म जाने तू या जाने ना के गाने भी युवाओं में काफी लोकप्रिय रहे। रहमान ने 2012 में आई फिल्म एक दीवाना था और अमेरिकन ड्रामा पीपल लाइक अस के लिए गाने कंपोज किए और यशराज चोपड़ा की फिल्म जब तक है जान के लिए भी बेहतरीन गाने दिए। रहमान को 2013 में रांझना और मारिया फिल्मों की सफलता के साथ कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। रहमान ने 2014 में लगभग 12 भाषाओं में अलग अलग फिल्मों में अपना संगीत दिया।
जनवरी 2016 में एक लंबे ब्रेक के बाद ईआर रहमान ने चेन्नई में, कोयंबटूर में और मदुरई में पहली बार तमिल प्लेलिस्ट के साथ लाइव प्रदर्शन किया। रहमान की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने सायरा बानो से शादी की और इनके तीन बच्चे खातिजा, रहीमा और आमीन हैं। रहमान कई सारे चैरिटी ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। 2004 में उन्हें WHO का एम्बेसडर बनाया गया था। रहमान को काफी सारे फिल्मफेयर अवार्ड्स के साथ 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 अकादमी, 2 ग्रैमी और 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। सन 2000 में उन्हें पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी AR रहमान जी की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।